हाय भाभी ये तो चढ़ाई पे जा रहा देखना सड़क कैसे पूरा पुट्ठे हो गए हम तो चल चल के वही तो देखो गाइस यार मंदिर बड़ा प्यारा है हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आवर न्यू वीडियो सो गाइस कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब ठीक होगे एंड गाइस आज हम जा रहे हैं शिव मंदिर वो भी कौन सा टेंपल भाई जटोली टेंपल हम जा रहे हैं जटोली टेंपल और अर्शी भी जा रही है आज हमारा अचानक प्लान बन गया था और हम सुबह सुबह निकल गए और तो आज तक वैसे उठता नहीं हूँ पर कल जब जब जाना होता ट्रैवल करने तब मैं उठ जाता हूँ 5 बजे उठ के था ट्रैवल में कुछ भी है ना 5 बजे इसके लिए तो टाइम ही टाइम है उठा रात को सोया 2 बजे उठा मैं 4:30 बजे यार जाना है देखा 5 बजे में टाइम पड़ा है फिर सो गया आधे घंटे के लिए उठ गया गाइस कल हमारे घर में मेहमान आए थे रात को 2 बजे सोए थे और सुबह शुक्र दाई ने उठा दिया यार अभी हम यहाँ रुके हैं कुछ खाते हैं अभी मॉर्निंग हो रही है ब्रेकफास्ट पेट गुड़ गुड़ करने लग गया पराठे खा लिए हमने बस अब हम आगे निकल रहे हैं ना और कितना कितने दूर है कितना टाइम लगेगा 1.5 घंटा 1.5 घंटा मौसम भी मस्त हो रहा है पराठे खा के निकल चुके अब और मिलते हैं आपको ऊपर जाके यार गाइस मैंने इन्होंने बोला था भैया औरों ने कि कुछ अपना ना मतलब शर्ट वगैरह कुछ गरम वगैरह कुछ पा के आना यार क्योंकि ऊपर का मौसम का ना पता नहीं होता कभी भी खराब हो जाता जैसे अभी खराब हो चुका है बिल्कुल और मेरे को लग रही है ठंड से तो कोई बड़ा ठंड लग रही है मैं इनको बोल रही हूँ कि इन्होंने ये लेके आए लेकिन मैं नहीं लेके आई अपने लिए कुछ भी बारिश हो रही है भाई आगे अरे यार मौसम देखो गाइस मौसम यहाँ पे देखना यार सीरियसली कितना सुंदर लग रहा है यार देखते रहे सो गाइस ये देखो लोकेशन अरे यहाँ तो हम थोड़ा लेट हो गए ये तो बहुत अच्छी लोकेशन थी यहाँ पे जब सनराइज होता है ना तब यहाँ पे बादल ही बादल होते हैं और वहाँ से सनराइज होता है तो क्या मजा आता है लाल और नीचे बादल दिखता है अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ा सा सांस ले रहे हैं और हमारी जो तशरीफ थी वो थोड़ी अकड़ गई थी उसको सांस दे रहे हैं और कपड़े भी देखो ठंड लगने लगी थी ठंड की वजह से फिर मैंने कपड़ा हाईनेक भी पहन लिया बस अभी पहुँचने वाले ठंड है तो मैं बोल ही रहा था तेरे को मैंने सुबह बोला इसको कि शोनो एक आधा ले ले कुछ अरे पागल हो मेरे को ठंड नहीं लगती शॉल लेके आ रही थी मम्मी से लेके हाँ मिला ही नहीं शॉल अब लग रही है ठंड अभी कहाँ है भैया गर्मी में कपड़े निकाले होंगे रखे होते हैं ना एक जगह पे रख दिए ना हाँ वो निकलते भी नहीं है ना चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं लेट्स गो प्रसाद ले रहे हैं तो ये चले गए हैं और हम लोग यहाँ पे धक्के खा रहे हैं पैदल पैदल धक्के खा रहे हैं ये छोड़ के चले गए हमें पैदल चढ़ रहे हम और लेकिन यहाँ पे है भाई थोड़ी चटाई है ना इस साइड लेकिन आगे पूरा मंदिर है देखो हमने प्रसाद भी ले लिया ये प्रसाद भाभी का भी इधर हाय भाभी ये तो चढ़ाई पे जा रहा देखना सड़क कैसे पूरा पुट्ठे हो गए हम तो चल चल के वही तो देखो गाइस यार मंदिर बड़ा प्यारा है बहुत देखो ना किसने बनाया होगा वही सुंदर कितना है ना ये हाय यार ना चलते हैं वहाँ चंडीगढ़ में लेकिन यहाँ आगे तो सांस फूल रही है हाय भाभी सच्ची थक गए यार यहाँ से ऊपर जाना है अभी हमने और ये बैक साइड है ये अभी अभी हम जा रहे हैं वेट कर रहे हैं इनका मेकअप खत्म नहीं होता चलो भगवान के पास भी मेकअप करके जाना होता है कहीं भगवान सुंदर सुंदर बच्चे आए इनकी बात माननी है पहचान ना पाए आपके भी दर्शन कराते चलो भाई गाइस ये देखो यार लोकेशन गाइस कितना सुंदर है देखो यार ये मंदिर है गाइस देखो क्या मंदिर है भाई शिव जी का मस्त सो रहे हैं मस्त बिल्कुल पहाड़ों के बीच में देखो ये पहाड़ पहाड़ों के टॉप में शिव मंदिर हम दर्शन करते हैं इनको देखो ये देखते रह गए क्या बात है गाइस ये देखो खाली जगह कितनी है यहाँ पे हम शादी करा सकते हैं दाई की दाई की ये देखो यहाँ पे बोल दिया कि झड़वाओ ये कह रहे घर तो कुछ काम करते नहीं शुक्र यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करवा रहे हैं थोड़ा बहुत हाँ एक्टिंग करवा लो इनसे बस धोना नहीं है यार कराओ कराओ सेवा कराना सकल दिखाना सेवा वाली
मंदिरों में आके सेवा करनी चाहिए गाइस, आप भी आओ। वो देखो अभी तक सेवा करी जा रही है। कोई ना, अभी एक दो और लेके आ रहे हैं हम। यार बंदों ने कैसे बनाया होगा यार, है ना, वहाँ ऊपर तक कैसे लगाया होगा, वो भी इतने साल पहले, 500 साल पहले। अरे झंडे तो चेंज होते हैं यार, कलाकृति देखो ना, ऊपर ही देखो, डर लगता है यार, है ना, इतना ऊपर से सोचो अभी इतना ऊपर जाके झंडा चेंज करना है। अभी ये करेंगे झंडा चेंज, पता नहीं क्या करेंगे, कुछ और कर रहे होंगे शायद, सफाई भी तो करते ही हैं। यार यहाँ जाके चेंज होता झंडा यार, इतना ऊपर, अभी तो ये यहीं पे है। देखो देखो कलाकृति कितनी है, आकृतियाँ देखो, संजू ऊपर भगवान बना रखे हैं बहुत सारे, बहुत ऊपर देखो ना कितना कुछ है भाई, गणेश जी नहीं है वो, नहीं शिव जी जी है वो, स्टार्टिंग में वो, शुरू में मुझे तो भोले बाबा लग रहे हैं, भोले बाबा सबसे ऊपर ही, भोले बाबा लग रहे हैं। इतना कुछ है यार डिटेल में इसमें ना, क्योंकि शिव जी जी के बताओ कहानी बताओ एक बार, इतना मेरे को भी नहीं पता, बस इतना था कि शिव जी भगवान की जब बरात लेने जा रहे थे ना, तो नंदी जी भूतों की टोली लेके आए थे, क्योंकि शिव जी जी के तो है नहीं कि इन्हीं के साथ ही बनती है, तो इन्हीं के साथ रहते हैं, टोली में आए थे सारे ये, है ना गुड्डू, मेरे को तो अभी पता लग रहा है, मतलब अच्छे से सुने पड़े तो। आपके पति देव जी काम पे लग गए हैं, ओहो अभी यहाँ पे खाना खुना बनाएंगे, ज्यादा दूर चले गए, सो गाइस दर्शन हो चुका है और हम अब जा रहे हैं वापस, बट हमें भूख भी लग रही है, पहले खुद पेट पूजा करते हैं, पहले पेट पूजा फिर आगे काम दूजा, मैगी देखते हैं कसोली की तरफ, और अच्छा बाय बाय, चलते हैं मोमोज खाएंगे, मोमोज खाने, मोमोज तो फिर कसोली के अच्छे, मोमोज खाएंगे मैगी खाएंगे, चलो। सो गाइस अब हम मोमोज टेस्ट कर रहे हैं पहाड़ों की, देखते हैं, ये तो टेस्ट करने से पहले खा गई सारा, एक ही बार कैसा था, मस्त है, मैं टेस्ट करता हूँ, मैंने नहीं खाया। सो गाइस टेस्ट अच्छा था तो हमने नूडल मंगा लिया एक प्लेट, और जिम वाली लड़की को देखना कहाँ भूल गई, जिम पतला नहीं होना, मुंह मुंह मत चला, ये खा नहीं रही गाइस, तो बिल्कुल बैठ के देख रही है बस, खा हम स्वाद ले रहे हैं ना, मोमोस एक नंबर ऐसे रहेगा जब तक खत्म नहीं होएगा। सो गाइस हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं, और हम 2 किलो मिट्टी लेके आए हैं वहां से अपने शरीर में लगा के, और बट ये हमारा घर का दरवाजा बंद है, ताला बंद है यार, हमारे भैया चाबी लेके चले गए, तो हमारा एसी का पानी से अब हम मुंह धोएंगे, नहाएंगे और इसी को पिएंगे। ओए मत कर गंदा, छी सोने, एसी का पानी अच्छा नहीं होता, ये ऐसे हरकतें करते, बताओ ये नहीं पिटेगी तो कौन पिटेगी, गंदी नींद आ रही है ना, और क्लास भी है मेरी, इतना ट्रेवल करके और सीधा क्लास में जाने में तो मर जाऊंगा मैं, थोड़ा सोना पड़ेगा भाई, चाबी भी अभी देने आ रहे हैं, मिट्टी नहीं कहते वो मैल कहते हैं उसको, बस पूरा स्किन निकालेगी अब बाबू, उधड़ गई चमड़ी उधर, आए हाय देख रहे हो आए हाय। सो गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं, और क्लास भी ले ली है, क्लास लेके कितना बुरा हाल हो गया, आज पूरे दिन क्या हुआ कि दिन भर हम ट्रैवल किया, पूरे दिन वहां गए, मंदिर गए, उसके बाद जाना आना, वहां पे चलना, ऊपर जाना, मंदिर में जाना, नीचे, मतलब पूरा पहले से थके हुए थे, उसके बाद फिर अभी क्लास जाके नींद भी पूरी नहीं हुई थी, सुबह 5 बजे गए थे, बहुत बुरा हाल हो गया, बट देखो इनके तो मजे ही मजे, घर पे आके अपना स्टीम बात ले रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या ये क्या 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 नहीं भाई, कितनी गंदी लग रही यार, वो लग रही है, वो वाली मूवी नहीं है कांतारा, कांतारा मूवी देखी है, हाँ वैसी लग रही है। चल खाने में क्या बना है, आलू बुड़ी, डांस कर करके ना बैठा भी नहीं जाता, पूरी बॉडी अपनी हुई है, स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी अच्छे से, सोयाबीन खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, और आराम की नींद सोते हैं, क्योंकि सोए नहीं है हम, कल से नहीं सोए, आज सोएंगे क्या मजे की नींद आएगी यार, सुबह तो मैंने जानबूझ के क्लास भी ऑफ करवा दिया कि सोऊंगा बोल के, क्योंकि सुबह अभी सोया ना खा के, मुझे नहीं लगता मैं सुबह उठ पाऊंगा 12 बजे से पहले। सो गाइज बहुत मजा आया मंदिर में जाके, ऐसे ही बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग्स आने वाले अब, और बस दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, कर दिया है हमने व्लॉगिंग करना रेगुलर, अब भी ऐसे प्यार बनाए रहिए, और जूते उतारिए, और किसी को डांस सीखना है
मेरे से कॉन्टेक्ट करिए, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, व्लॉग्स बनाएंगे और मैं फ्रेश हो जाता हूँ और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, मंदिर जाओ, खुश रहो, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।